నిర్మించిండ్రు కార్యకర్తల్ని తీసుకెళ్ళడం మీరందరూ మీ అందరి ఆశీర్వాదంతోనే జరిగింది. ఒకటి మాత్రం మీ అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నా, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ల టైంలో మనకు ఒక్క ఎంపీటీసీ లేకపోయినా, ఒక్క సర్పంచ్ లేకపోయినా, ఒక్క జెడ్పీటీసీ లేకపోయినా, ఒక్క కౌన్సిలర్ లేకపోయినా కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా మనకు 50,000 ఓట్లు వేసి ఆశీర్వాదం పెట్టిండ్రు. 50,000 ఓట్లు, 50,000 ఓట. జో జబ్ చిలుకూరి రామచంద్ర రెడ్డి సాహబ్ కంటెస్ట్ కియా 2009 మే భీ కేవల్ 28,000 ఓట్స్ ఆయ కాంగ్రెస్ పార్టీకు 2009 మే. 2014 में कांग्रेस पार्टी को 28-29,000 आया. फिर 2018 में भी कांग्रेस पार्टी को 29,000 वोट्स आया. सो एक पहली बार कांग्रेस पार्टी को 50,000 वोट मिला कांग्रेस पार्टी को ये पिछले असेंबली इलेक्शन में. ये आप सबका आशीर्वाद है. మీరు ఒక్కరి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2009-14 పార్టీ స్ట్రాంగ్ ఉండే, అధికారంలో ఉండే, ఎంపీటీసీలు ఉండే, జెడ్పీటీసీలు ఉండే, కౌన్సిలర్లు ఉండే, సర్పంచ్లు ఉండే, మొన్న మనకు ఎవ్వరు లేకున్నా 50,000 ఓట్లు సాధించిండ్రు. పేదోళ్ళ, గరీబోళ్ళ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల ఆశీర్వాదంతో ఇన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి మనకు. మళ్ళీ మొన్న లోక్సభ ఎలక్షన్లలో 75 సంవత్సరాల ఆజాదీ అంటే మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత आजादी का 70 साल में 75 ईयर्स में कभी भी 77,000 वोट कांग्रेस पार्टी को, बीआरएस पार्टी को किसी को नहीं मिला. मगर आप आशीर्वाद दिया मन लोकसभा परिधि अत्यधिक वोट, हाईएस्ट वोट 77,000 वोट लाए हम आपका आशीर्वाद से, गरीबों का आशीर्वाद से. जहां गरीब रहता वहां कांग्रेस पार्टी रहता, जहां एससी एसटी माइनॉरिटी रहता वहां कांग्रेस पार्टी रहता. कांग्रेस पार्टी खानदान पार्टी है. कांग्रेस पार्टी में हम काम करना ये हमारा एक इज्जत है, एक इट्स अवर प्राइड, ఒక గర్వకారణం మన అందరికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీల పని చేయడం. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతోని, మీ అందరి ప్రేమ దయతోని మే కాంగ్రెస్ పార్టీ మే కేవల్ 6 మహినే పెలే కాంగ్రెస్ పార్టీ మే జాయిన్ హువా. కాంగ్రెస్ జబ్ మే కాంగ్రెస్ పార్టీ మే జాయిన్ హువా, जब कार्यकर्ता विलेज गांव से आता है उसको चाय पानी पिलाने का अभी सौकर्य हालत नहीं था, ऐसा था कांग्रेस पार्टी का. आप सबको मालूम है नील इच्छेवा लेकुंडे, चाय इच्छेवा लेकुंडे. कानी रोजो मैं एक ही बात बोलता हूं, आप आपका रिश्तेदार कंदी श्रीनिवास रेड्डी आदिलाबाद में है, आप जब भी ऑफिस को आ जाओ आपको बिना खाना खाया जैसा आपको मैं ऑफिस से नहीं भिजाता हूं. मिम्मली बोलते हैं मंपिया प्रतिरोज इक मन आप एक बार याद रखो, केसीआर का बेटी निजामाबाद में हर दिन नित्य अन्नदान करता था, मगर जब हार गया पिछले असेंबली इलेक्शन में वो बंद कर दिया. प्रतिरोज अन्नदान, नित्य अन्नदान बंद कर दिया. मैं छोटा आदमी हूं मगर हमारा ऑफिस में नित्य अन्नदान कभी नहीं बंद हुआ, एक दिन भी नहीं बंद हुआ. मी अंदर आशीर्वाद, मीरेप्पुडु आदिलाबाद वच्चिना गरीबोल्लु पल्लेटूरु नुंची रिम्स हास्पिटल कोसम वच्चिना एप्पुडु वच्चिना कूडा कंदि श्रीनिवास रेड्डी ऑफिस ला इंत बुग्गेड अन्नं पेडतारु, ओकटि चाय नीळ्ळु पोस्तारु, मंचिगा मर्याद चेस्तारनि मात्रं मर्चिपोकंडि. कभी भी आप आदिलाबाद में आओ कंदी श्रीनिवास रेड्डी ऑफिस में आपको भोजन मिलता, आपको चाय मिलता. आप कार्यकर्ताओं को फर्स्ट इज कार्यकर्ता, फर्स्ट इज कैडर. बिना कार्यकर्ता से पार्टी नहीं है, लीडर नहीं है, कोई भी नहीं है. कार्यकर्ता लेकपोते लीडर लेडु, पार्टी लेडु, एवर लेडु. फर्स्ट कार्यकर्ता. मी अंदरी आशीर्वादंतोनी, कार्यकर्तलंदरी आशीर्वादंतोनी एप्पुडु एलक्षन वच्चिना कभी भी नेक्स्ट सरपंच इलेक्शन, एमपीडी सिलेक्शन, जेडपीडी सिलेक्शन, मुनिसिपल काउंसिल इलेक्शन ला 90% सीटलो वोटलो कांग्रेस पार्टी के रावलनी संदर्भ में चले जाता हूं. आमिर अली खान साहब भी हमको मदद करने के लिए आया, साहब भी हमको टारगेट दिया नेक्स्ट कोई भी इलेक्शन होने दो 90% सीट कांग्रेस पार्टी जीतना है, वही उसका आशीर्वाद है. अब टारगेट समझो, आशीर्वाद समझो, कुछ भी समझो, मगर बिना टारगेट हम काम नहीं कर सकते. हम कहें कोई भी क्षेत्र में कंपटीशन रहना और टारगेट्स भी रहना. हमें ये बात बोल रहा हूं कि नेक्स्ट
पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में 90% सीट हम जीतना है, जीतवाना है। और म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस का म्युनिसिपल चेयरमैन बनाना है, कांग्रेस का जिला परिषद चेयरमैन बनाना है। सकते हम बूथ लेवल पे काम करना है, हमारा सबका एक ही मकसद है, राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री बनाना है, बनाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी।